नाउ लेट्स टॉक अबाउट वेटलेसनेस इन सेटेलाइट एंड ग्रेविटी फ्री सिस्टमलाइट हैं उनके अंदर वेटलेसनेस क्या है और ग्रेविटी फ्री सिस्टम क्या होता है वेटलेसनेस इज सिंपलीजुअल वेन नो एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट आर टचिंग वंस बॉडी वेटलेसनेस क्या है एक सेंसेशन एक सेंस है कौन एक्सपीरियंस करता है कोई इंडिविजुअल बॉडी वेन नो एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट आर टचिंग वंस बॉडी जब कोई भी एक्सटर्नल चीज उस बॉडी को टच नहीं कर रही होती एंड एग्जर्टिंग अ पुश और पुल ऑन इट या उसके ऊपर कोई भी पुश और पुल एग्जर्ट नहीं कर रही होती तब जो बॉडी फील करती है वो क्या होता है स्टूडेंट्स वेटलेसनेस व्हेन अ सैटेलाइट इज फॉलिंग फ्रीली इन स्पेस जब सैटेलाइट फ्रीली फॉल कर रहा होता है स्पेस में एवरीथिंग विद इन दिस फ्रीली फॉल सिस्टम विल अपीयर टू बी वेटलेस तो हर चीज क्या हो जाती है वेटलेस इट डज नॉट मैटर वे द ऑब्जेक्ट इज ये मैटर नहीं करता कि ऑब्जेक्ट कहाँ पड़ा हुआ है वेदर इट इज फॉलिंग अंडर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ अगर वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अर्थ के अलॉन्ग फॉल कर रहा है द सन और सम डिस्टेंस स्टार या सन के या स्टार के कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीजों के ऊपर क्योंकि उनके ऊपर कोई ग्रेविटी या कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रही होती और तमाम ऑब्जेक्ट्स वेटलेस हो जाते हैं एंड अर्थ सेटेलाइट इज फ्रीलिंग फॉलिंग ऑब्जेक्ट

1470 न्यूटन जो के वेट करता है बॉडी का शो कहाँ पर 980 न्यूटन जो के ग्राउंड पे था 1470 न्यूटन फाइंड आउट द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलेन ऑफ द एलिवेटर हम लोगों ने क्या फाइंड करना है डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड को यूज करते हुए एक्सेलेषन को फाइंड करेंगे सॉल्व करते हैं हेयर एक्चुअल वेट ऑफ द बॉडी एक्चुअल वेट कितना था हंड्रेड के जी इन दिस केस इस जैसा कि नजर आ रहा है कि बॉडी का वेट ज्यादा शो किया जाता है तो हम लोगों ने पहले ही एक एग्जाम्पल में देखा था कि जो टेंशन है ग्रेटर कब होगी केस वन में जब बॉडी का वेट इंक्रीज होगा सो टी विल बी ग्रेटर देन डब्ल्यू टेंशन वेट से ग्रेटर होगी क्वेश्चन क्या है टी माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू एम ए ये क्वेश्चन हम लोग टेंशन के लिए यूज करेंगे टी की वैल्यू पुट करते हैं वन थाउजेंड फोर हंड्रेड एंड सेवेंटी माइनस नाइन हंड्रेड एंड एटी विच इज इक्वल टू मैथ कितना है हंड्रेड के जी सात एक्सेलरेशन हम लोगों ने फाइंड करनी है इट गिव्स क्या मिलेगा हमें स्टूडेंट्स ए विल बी इक्वल टू 4.9 मीटर पर सेकेंड ये है वो एक्सेलेशन जो के एलिवेटर के अंदर प्रोड्यूस होगी और इसका मतलब है कि जो एलिवेटर है वो अपवर्ड मूव कर रही है जहां टेंशन की वैल्यू वेट से ज्यादा होती है थैंक यू